हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th। एक्सरसाइज है हमारे पास 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी की जो सैलरी है वो इंक्रीज हो गई कितनी, 10%। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000, अगर उसकी नई सैलरी है वो 1,54,000 है, फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी फाइंड करो कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है। देखो हमारे पास क्या है कि किसी आदमी की जो सैलरी है वो 10% इंक्रीज़ कर दी गई, और 10% इंक्रीज़ करने के बाद उसकी सैलरी हो गई 1,54,000। तो ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी। हम मान के चल पड़े कि ओरिजिनल सैलरी उसकी 100 रुपीज़ है। लेट ओरिजिनल सैलरी कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, जब 10% इंक्रीज़ कर दिया तो 100 का 10% भी कितना होगा, 10 होगा। तो क्या आ जाएगा, 100 + 10। तो नई सैलरी कितनी हो जानी चाहिए, 110। अब इससे हम इक्वलिटी लेके चलेंगे, न्यू सैलरी इज़ 110। मान लिया हमारे पास न्यू सैलरी वो कितनी आई, 110। जब हमारे पास नई सैलरी 110 है तो ओरिजिनल जो सैलरी थी वो कितनी थी, 100 थी। फिर न्यू सैलरी 1, अगर नई सैलरी 1 है तो ओरिजिनल सैलरी हमारे पास कितनी थी, 100 डिवाइडेड बाई 110। और जब हमारे पास न्यू सैलरी है वो 1,54,000 है तो ओरिजिनल सैलरी कितनी आएगी, 100 / 110 मल्टीप्लाई 1,54,000। 0 से 0 कैंसिल, 11 से कर देंगे, 1,400 आ जाएगा। 1,400 मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 1,40,000। तो हमारे पास उसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, 1,40,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 पीपल जू के अंदर गए। ऑन मंडे ओनली 169 वेंट टू द जू, और मंडे को कितने गए, 169। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मंडे को जितने आदमी गए वो कितने परसेंट डिक्रीज हो गई। देखो संडे को ज़्यादा गए, मंडे को कम गई, तो कितने परसेंट डिक्रीज हो गई, मंडे को जो जू में गए हैं वो कितने परसेंट डिक्रीज हो गई। ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू, संडे को जू के अंदर कितने आदमी गए, 845। ऑन मंडे पीपल वेंट टू द जू, मंडे को कितने गए, 169 गए। द नंबर ऑफ डिक्रीज इन द पीपल, तो कितने आदमी कम हो गए, 845 में से 169 को माइनस कर देंगे तो कितना आया, 676। तो टोटल हमारे पास कितने कम हो गए, 676 कम हो गए। अब हमें क्या निकालना है, डिक्रीज परसेंट में निकालना है। तो डिक्रीज परसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिक्रीज मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल, जितने से हमारे पास डिक्रीज हुए, जिस नंबर से हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, डिक्रीज होना किससे स्टार्ट हुआ था, 845 से कम होना स्टार्ट हुआ। तो नंबर ऑफ ओरिजिनल पीपल वेंट टू द जू, जो हमारे पास जू के अंदर संडे को गए थे वो कर देंगे डिवाइडेड बाई, तो 676 बाई 845 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल कर देंगे हम, 5 से कर देंगे 20 आ जाएगा, 5 से 169, 169 बन जा 169, 169 से कर दिया 4, 4 और 20 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 80, और साथ में क्या लगाएंगे, परसेंट। तो डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू इज 80%, 80% आदमी डिक्रीज हो गए मंडे को जू में जाने वाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ 2,400 एंड सेल्स फ्रॉम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक शॉपकीपर ने बाई खरीदे 80 आर्टिकल्स, एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स खरीदे फॉर ए 2,400 रुपीज़, कितने रुपए में खरीदे, 2,400 रुपीज़ में, एंड सेल्स और बेच दिया, देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16% और 16% प्रॉफिट पर उनको बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करो। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, 80। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, जो हमारे पास आर्टिकल है उनका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है,
2400 और प्रॉफिट कितना लिया उन्होंने 16%। तो हम क्या करेंगे, 100 से सॉल्व करके देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 100, मान लिया आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, कितना प्रॉफिट हो गया 16, तो 100 प्लस 16 कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 116 आ जाएगा। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या है, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, अगर हमारे पास जो आर्टिकल है सीपी ऑफ द आर्टिकल वन इज देन एसपी, अगर हमारे पास ए जो आर्टिकल है उसका सीपी कॉस्ट प्राइस 1 है तो एसपी कितना हो जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। अगर हमारे पास सीपी कितना है 2400 है तो एसपी कितना आ जाएगा 1016 बाई 100 मल्टीप्लाई 2400, 20 से 20s कैंसिल, 116 मल्टीप्लाई 24 कर देंगे ये आ जाएगा 2784। अब हमारे पास ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। हमें क्या निकालना था, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का निकालना है। ये कितने आर्टिकल्स का आया, 80 आर्टिकल्स का, तो एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स का हमारे पास कितना है 2784। एसपी ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का निकाल देंगे 2784 डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे, जब हम इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 34.80, ये हमारे पास आ जाएगा एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 रुपीज़, एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट है हमारे पास 15,500, 450 वेंट स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, और उसकी रिपेयरिंग में पैसे खर्च कर दिए 450 रुपीज़। इफ़ इट सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उसको 15% प्रॉफिट पर सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करो। देखो सीपी हमारे पास कितना है 15,500 और रिपेयर की कॉस्ट कितनी है 450 है, तो टोटल सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल अगर हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस तो दोनों को प्लस कर देंगे, ये तो हमारे पास खरीदने का है प्लस रिपेयर करवाया तो कितना आ जाएगा 15,950। और अगर प्रॉफिट कितना है 15% तो हम इस पर लगा देंगे अप्लाई, लेट सी पी इज 100, अगर सी पी 100 है तो एस पी कितना हो जाएगा 15% प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 115 हो जाएगा। लेट सी पी इज 1, अगर सी पी 1 है देन एस पी कितना आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। और अगर हमारे पास सी पी 15,950 है तो एस पी कितना आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 15,950, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 2 जा 10, 5 से कैंसिल कर देंगे 319, फिर 319 और 115 की मल्टीप्लाई करेंगे 36,685 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 18,342.50, ये हमारे पास क्या आ गया उसका सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ए वी सी आर एंड टी वी वर बॉट फॉर ₹8,008, एक वी सी आर और एक टी वी दो चीज़ खरीदी और फॉर ₹8,000 ईच, और हर एक की कॉस्ट कितनी है 8,000 है, 8,000 का वी सी आर है और 8,000 का टी वी है। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द वी सी आर, जो शॉपकीपर है वो लॉस पर बेच देता है किसको, वी सी आर को, 4% लॉस पर बेचता है, एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टी वी, और टी वी पर 8% प्रॉफिट लेता है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑफ द ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो जो टोटल ट्रांजेक्शन है उसके अंदर उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जो भी हुआ उसका परसेंटेज निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। देखो कैसे, सी पी ऑफ वी सी आर एंड टी वी ईच, जो वी सी आर और टी वी दोनों है दोनों का सी पी क्या है, कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना है 8,000 है, तो टोटल सी पी हमारे पास क्या हो गया, वी सी आर का सी पी भी 8,000 प्लस टी वी का सी पी भी 8,000, दोनों को हमने प्लस कर दिया, 8 + 8 = 16,000 आ गया हमारे पास टोटल सी पी। उसके बाद हम दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों का सीपी है तो दोनों का एसपी निकाल लेंगे और फिर दोनों का एसपी का टोटल करके सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी 100, हमने मान के चल पड़े कि जो हमारे पास आर्टिकल है उनका
फर्स्ट में क्या दे दिया, वी सी आर इज सोल्ड एट 4% लॉस। जो वी सी आर है वो कितने परसेंट लॉस पर है, 4% लॉस पर। तो क्या किया, लेट सी पी ऑफ ईच आर्टिकल बी 100। हर एक आर्टिकल है उसका सी पी कितना है, 100। वेन सी पी इज 100 देन एस पी कितना हो जाएगा, 4% लॉस है तो 100 माइनस 4 कर देंगे, कितना आया 96। जब सी पी 100 है तो एस पी कितना है, 96। जब हमारे पास सी पी 1 है देन एस पी हमारे पास क्या आ जाएगा, 96/100 आ जाएगा। वेन सी पी इज 8000 देन एस पी क्या आ जाएगा, 96/100 मल्टीप्लाई 8000 कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 96 और 80 के मल्टीप्लाई कर देंगे ये आएगा 7680 रुपीज़। तो देखो 8000 इसका सी पी था, एस पी आया 7680, तो इसमें तो हमारे पास लॉस हो रखा है। सेकंड हमारे पास टी वी है, एन टी वी इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट देन, और टी वी को उसने कितने में सोल्ड किया, 8% प्रॉफिट पर कर रखा है। अगर प्रॉफिट हो रखा है तो कैसे करेंगे, वेन सी पी इज 100, अगर हमारे पास सी पी 100 है तो एस पी कितना आ जाएगा, प्रॉफिट हो गया तो प्लस कर देंगे, 100+8 कितना आ जाएगा, 108। वेन सी पी इज 1, जब हमारे पास सी पी 1 है तो एस पी क्या आएगा, 108/100। वेन सी पी इज 8000 देन एस पी 108/100 मल्टीप्लाई 8000, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 108 और 80 के मल्टीप्लाई कर देंगे 8640। ये हमारे पास क्या आ गया, टीवी का एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया टीवी का। अब देखो इसमें प्रॉफिट हो रखा है, इसमें लॉस हो रखा है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जो वो निकालना है। तो टोटल एसपी हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सीपी हमने निकाल लिया था, कितना आया था 16000। टोटल एसपी निकाल लेंगे, दोनों का एसपी प्लस कर देंगे, फर्स्ट हमारे पास वीसीआर का एसपी है 7680 प्लस टीवी का हमारे पास है 8640, दोनों को प्लस कर दिया 16320। तो हमारे पास ये एसपी आ गया दोनों का, ये हमारे पास सीपी दे रखा था। अब सीपी कम है एसपी ज़्यादा है तो क्या हो गया, प्रॉफिट होगा। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 16320 माइनस 16000, इसमें से माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, 320। फिर हमें निकालना है क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/CP। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 320 मल्टीप्लाई 100/CP, सीपी हमारे पास कितना था 16000, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 160 से हम कैंसिल कर देंगे, 2 पर कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, 2% प्रॉफिट। जो टोटल ट्रांजेक्शन थी एक वीसीआर और टीवी को खरीदने में और उन दोनों को बेचने में, टोटल जो ट्रांजेक्शन थी उसमें हमारे पास क्या आया, 2% क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।